हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। दिस साइड मनीषा राव, योर स्टडी पार्टनर। आप लोगों का जो एग्जाम है उसके अंदर मैंने आप लोगों की पूरी कोशिश करने की, आप लोगों की जितनी भी मुझसे हो पाएगी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोगों ने बोला था, मैंने आप लोगों के लिए एक डेमो वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट करवाए थे आपके। सोट एंड स्वीट रिविजन मैंने आपका करवाया था। तो आज जो ये क्लास है ये आप लोगों की फ्रेंड्स 3 डिस्ट्रिक्ट और मैं आप लोगों को करवा रही हूँ जिसके अंदर पानीपत और सोनीपत। पानीपत और सोनीपत क्या है, थोड़े लंबे लंबे हैं तो उनके साथ मैंने उनके, क्योंकि उनका जीके ज्यादा है वहां से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो उसके साथ मैंने एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट और लिया है नुहू। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ। फ्रेंड्स मैंने वीडियो तो मतलब स्टार्ट तो कर दी लेकिन उसको रिकॉर्ड करना भूल गई, तो ये जो आप लोग देख रहे हो ना ये टिक, मैं वहां तक इसको करवा चुकी थी, अब दोबारा से मुझको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, करते हैं। लेकिन उससे आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि आज मैंने आप लोगों को हिंदी के 15 क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, जो कि आपके हूबहू आपको एग्जाम में ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा जिससे आप लोग घबरा रहे हैं कि भाई आपका एग्जाम अच्छा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप लोगों को वो हिंदी के 15 क्वेश्चन जरूर सोल्व करने हैं, इससे पहले वाली वीडियो में वो आपको मिल जाएंगे। ओके तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो भाई देखिए, पानीपत, पानीपत है, आप लोगों से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल मैं आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल जो एग्जाम पॉइंट बन सकते हैं वही करवाते हुए चलूंगी, क्वेश्चन की फॉर्मेट में करवाऊंगी, क्योंकि थ्योरी तो आप लोगों ने अब तक पढ़ी ली होगी। ओके तो भाई, जो एकमात्र जो जिला है जो 2 बार बना है वो कौन सा है, हमारा पानीपत। काफी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि एकमात्र जिला जो 2 बार बना है कौन सा है, भाई पानीपत। सबसे पहले कब बना था, 1 नवंबर 1989 को बना था, 1 नवंबर 1989 को बना था, करनाल से अलग होकर बना था, ठीक है। 24 जुलाई 1991 को दोबारा से करनाल में मिला दिया गया, लेकिन 1 जनवरी 1992 को फिर से क्या कर दिया गया, इसको अलग कर दिया गया। पानीपत का जो पुराना नाम है वो क्या रहेगा, भाई पाणप्रस्थ रहेगा। किसके नाम पर पड़ा है, पाणिनि ऋषि के नाम पर पड़ा है। ओके अब देखो भाई, पानीपत किसके लिए प्रसिद्ध है, बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है, ठीक है। हथकरघा पानीपत को कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल हब और ग्लोबल टेक्सटाइल हब। ग्लोबल टेक्सटाइल हब, पेट्रोकेमिकल हब, ये सब भी पानीपत के क्या है भाई, उपनाम है। ओके ध्यान रखेंगे। अब देखिए, हमारे हरियाणा के अंदर टोटल 44 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं। पिछली वीडियो में जब मैंने ये टॉपिक करवाया था तो वहां पे एक ने कमेंट किया था, मुझे काफी अच्छा लगा। आप लोगों की जो भी राय होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दिया कीजिए। उन्होंने बोला कि आप टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स को भी जो ये वीडियो करवा रहे हो उसके अंदर क्या करो भाई, इंक्लूड करो। तो इसलिए मैंने इनको क्या क्या किया है, यहाँ पे आप लोगों के लिए इंक्लूड किया है। पानीपत के अंदर 2 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स रहेंगे आप लोगों के, स्काई लार्क टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स और ब्लू जय टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। ओके ध्यान रखेंगे। एरिया है 1268 किलोमीटर स्क्वेयर है, पॉपुलेशन 12,05,467 है। ये डेटा आपको याद रखना, कोई इतना जरूरी है नहीं। अब काफी बार ये क्वेश्चन काफी बार बनने लग गया है एग्जाम में, आपसे पूछ लेता है कि भाई इनमें से कौन सी सोनीपत की तहसील नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, सोनीपत के अंदर 5 तहसील है, कौन कौन सी भाई, इसराना, मतलोड़ा, पानीपत, समालखा और बापोली। सॉरी मैं आप लोगों को सोनीपत नहीं पानीपत पढ़ा रही हूं, अब तक जहां पर भी मैंने सोनीपत यूज किया है तो उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिए, पानीपत क्या होगा भाई, पानीपत, क्योंकि पानीपत और सोनीपत दोनों साथ ले लिए ना तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। तो अब तक मैंने आपको जो भी डाटा बताया है वो पानीपत का बताया है, अगर कहीं पर मैंने गलती से पानीपत की जगह सोनीपत बोल दिया है तो प्लीज आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिए। पानीपत के बारे में पढ़ रहे हैं, पानीपत में 5 तहसीलें हैं, इसराना, मतलोड़ा, पानीपत, समालखा और बापोली। ओके अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हाउस कहाँ पे है, तो कहाँ पे है भाई, पानीपत में है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हाउस कहाँ पे है, पानीपत में है। मैं फिर दोबारा से बोलती हूँ, अगर मैंने कहीं पर सोनीपत बोल दिया है गलती से तो प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिए, पानीपत आएगा। ओके इंडियन आर्मी के जो 70 से 75% जो कंबल है वो कहां पे बनते हैं भाई, पानीपत में बनते हैं, ध्यान रखेंगे। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड अमोनियम नाइट्रेट जो प्लांट है, फर्टिलाइजर के जो प्लांट है वो कहां पे है भाई, नांगलखेड़ी गांव में है, और नांगलखेड़ी गांव आपका कहां पे है, पानीपत में है। ओके पानीपत थर्मल पावर स्टेशन कहां पे है भाई, आसन कला में है। कब बना था, 1979 को बना था। इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 1368 है। ओके फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस वीडियो को आप लोगों को अगर स्पीड आपको कम लगती है तो 2 की स्पीड पे करके, 1.5 की स्पीड पे करके, या फिर मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं जल्दी जल्दी ही करवा पाऊं, 1-2 की स्पीड पे करके आपको सुन जाना है। आप सुन जाओगे और अगर आप लोगों ने नोट्स ले रखे हैं तो वहां से रिवीजन कर जाओगे, तो भाई आप लोगों के 10 में से ज्यादा नहीं 7 क्वेश्चन यहां से फंसने की उम्मीद हो जाएगी। ओके
HPGCL हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड कब बना था भाई? 1997 में। कहां पे है हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड? कहां पे है? पानीपत में है। हरियाणा का एकमात्र ऑयल रिफाइनरी, हरियाणा का एकमात्र ऑयल रिफाइनरी कहां पे है भाई? बोहाली गांव में। और बोहाली गांव कहां पे है? पानीपत में है। कब बना भाई? 1997 में बना। यहाँ पे जो कोयला प्रयोग होता है वो कहां से आता है? झारखंड से आता है। ओके, अब चलते हैं भाई फेमस पर्सनैलिटीज पे। यहां से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा कहां से है भाई? पानीपत से। पानीपत के कौन से गांव से हैं? खंडरा गांव से। किस गेम के लिए प्रसिद्ध है? जेवलिन थ्रो गेम के लिए। क्या मान काम किया है इन्होंने? टोक्यो 2020 ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। जन्म कब हुआ था भाई? 1997 में हुआ था। ओके, ESPN स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? नीरज चोपड़ा को चुना गया। वीएन का कहां से है? पानीपत से है। शिमला मुलाना गांव से है। किस गेम में फेमस है? शूटिंग में फेमस है। गगन नारंग कहां से है? पानीपत से है। किस काम के लिए फेमस है? शूटिंग में फेमस है। समाल कहां से है? नैना कनवल कहां से है? सुताना गांव पानीपत से। कहां से है भाई? सुताना गांव पानीपत से। किसमें फेमस है? रेसलिंग, कुश्ती में। निर्मल तंवर आपके कहां से है? पानीपत में। किस किसके लिए फेमस है? वॉलीबॉल में फेमस है। ओके, अब आपसे पूछा जाएगा कि पानीपत के अंदर कौन सा खनिज प्रमुख है? कौन सा खनिज प्रमुख है भाई? सल्फर, गंधक जिसको बोलते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी प्रमुख फसलें होती हैं? चावल, गेहूं, गन्ना, सब्जियां। कहाँ पे होती है भाई? पानीपत में होते हैं। 2019 में सब्जियों की पैदावार के लिए पानीपत को पुरस्कार मिल चुका है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2019 में सब्जियों की पैदावार के लिए उत्कृष्टता का जो पुरस्कार है किसे मिला था भाई? किसे मिला था भाई? पानीपत को मिला था। 22 जनवरी 2015 को एक योजना चलाई गई थी। कौन सी योजना थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से चलाई गई थी? पानीपत से। किसने शुरुआत की थी? नरेंद्र मोदी जी ने। पानीपत हुड्डा ग्राउंड से। जो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, वो कौन है भाई? साक्षी मलिक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अब नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? बदलाव योजना। बदलाव का फुल फॉर्म क्या होगी? बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजयलक्ष्मी। ओके, क्लियर, यहां तक याद रखेंगे। 8 मार्च 2019 वुमेन्स डे पर पिंक मैराथन ऑर्गेनाइज की गई थी, जहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। 55,000 महिलाओं ने क्या लिया था भाई? भाग लिया था 2019 में। ध्यान रख लेना इस पॉइंट को भी। पिंक मैराथन कहां पे ऑर्गेनाइज की गई थी? पिंक, पिंक से पी, पी से पानीपत में। ओके, फर्स्ट ई लोक अदालत, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट आपकी ई लोक अदालत कहां पे है? पानीपत में है। फर्स्ट इको फ्रेंडली जेल ऑफ हरियाणा, इको फ्रेंडली जेल ऑफ हरियाणा फर्स्ट कहाँ की है भाई? पानीपत की है। फर्स्ट ई अदालत और फर्स्ट जेल, इको फ्रेंडली जेल ऑफ हरियाणा। ओके, कौन कौन से मकबरे हैं यहाँ पे? बहलोल लोधी का मकबरा, इब्राहिम लोधी का मकबरा, हेमू का मकबरा, भू अली शाह कलंदर का मकबरा। काफी बार एग्जाम में आए हैं इब्राहिम लोधी का मकबरा, काफी बार पूछा गया है। इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, हेमू, भू अली खा, शाह कलंदर का मकबरा, ये सब कहाँ पे है भाई? आपके पानीपत में है। ओके, सलारगंज गेट नवाब साहिब ने अपने दोस्त नवाब सादिक की याद में बनाया। सलारगंज गेट कहाँ पे है भाई? पानीपत में है। सलारगंज गेट कहाँ पे है? पानीपत में है। काबुली बाग कहाँ है? पानीपत में। काबुली महल कहाँ है? पानीपत में। काबुली मस्जिद कहाँ है? पानीपत में। तो काबुली से क्या याद रखेंगे? पानीपत। ओके, याद हो रहा है? याद हो रहा है तो वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि हाँ भाई याद हो रहा है और हमारे लिए वीडियो यूजफुल भी है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ही मैं आपकी ये क्लासेस कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध कहाँ से है? पानीपत। और एक हफ्ते के अंदर मैं सारे डिस्ट्रिक्ट आपको करवा दूंगी। अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध कहाँ से है भाई? पानीपत में। हरियाणा सरकार हर साल क्या देती है? उर्दू साहित्य में हाली अवार्ड। अब क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि उर्दू साहित्य में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो कौन सा अवार्ड दिया जाता है? हाली अवार्ड। क्यों दिया जाता है? किसके लिए? अल्ताफ हुसैन हाली से संबंधित है। अल्ताफ हुसैन हाली कहाँ से संबंधित है? पानीपत से संबंधित है। ओके, इस प्रकार चीजों को रिलेट करके आपसे क्वेश्चन आएंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठों ने यहाँ देवी तालाब मंदिर का निर्माण करवाया। देवी तालाब मंदिर कहाँ पे है? पानीपत में है। किसने निर्माण करवाया? मराठों ने करवाया। कब करवाया? पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद। ओके, यक्ष युधिष्ठर संवाद सिंह पाथरी कहाँ पे है भाई? ये भी पानीपत में है। हरियाणा का सबसे लंबा पुल कहाँ पे है? पानीपत में है। 7 किलोमीटर लंबा है। ओके, इसकी जो सीमाएं हैं वो कहाँ लगती हैं? उत्तर प्रदेश के साथ लगती हैं। बाकी और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से लगती हैं? सोनीपत, गोहाना, जींद से लगता है। सॉरी, उत्तर प्रदेश के साथ गोहाना, जींद, एक सेकंड रुकिए, सोनीपत, करनाल और गोहाना, जींद, इन सबसे क्या लगती है भाई? सीमाएं लगती हैं।
तो भाई ये था सोनीपत के बारे में, इतना कुछ ज्यादा था नहीं। फेमस पर्सनैलिटी ध्यान रखनी है आप लोगों को, वहां की जो ये मकबरे वगैरह हैं ये याद रखने हैं, ठीक है। और ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो पॉइंट है इसको ध्यान रख लेना, ओके। अब आ जाता है भाई नूह मेवात के बारे में। नूह जो मेवात है, जो मेवात डिस्ट्रिक्ट है भाई, पहले इसका नाम क्या रखा गया था? सत्यमेवपुरम। जो सत्यमेवपुरम जो नाम रखा गया था वो किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। अब फिलहाल में क्या नाम है इसका? नूह नाम है। मेवात क्यों कहा जाता है? मेवों के बाहुल्य के कारण, यानी मेव यहाँ पे ज्यादा रहते हैं। इसकी जो घोषणा है वो कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2004 को घोषणा हुई थी। नूह मेवात डिस्ट्रिक्ट की घोषणा कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2004 को। किसने की थी भाई? ओपी चौटाला ने। किसने की थी? ओपी चौटाला ने। लेकिन ये बना कब था? 4 अप्रैल 2005 को। कब बना था भाई? 4 अप्रैल 2005 को। उस समय पर सीएम कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उस समय पर सीएम कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जब मेवात बना था उस समय पे सीएम कौन थे भाई? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। घोषणा किसने की थी? ओम प्रकाश चौटाला ने। किससे अलग हुआ था? गुड़गावा से अलग हुआ था। वर्तमान में क्या नाम है? नूह नाम है। नूह नाम कब मिला इसको? 12 अप्रैल 2016 को। कब दिया गया भाई? 12 अप्रैल 2016 को। जो नूह है वो मेवात की राजधानी थी। इंदौर से आने वाले ब्राह्मण किशन दज ने इसे बसाया था। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट भी। अलाउद्दीन खिलजी ने छीन कर खानजादों को दे दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? मेवात को छीन कर किसको दे दिया था? खानजादों को दे दिया था, ओके। तहसील कौन कौन सी है यहाँ पर, ये भी याद रखिएगा। तहसील कौन कौन सी है भाई? नूह है, पुन्हाना है, फिरोजपुर झिरका है, ताउड़ू है। कौन कौन सी है? नूह, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका, ताउड़ू। उप तहसील क्या है? नगीना। उप तहसील क्या है? नगीना। क्षेत्रफल कितना है? 1507 किलोमीटर स्क्वायर। झीले कौन सी हैं? 4 झीले हैं। कौन कौन सी? चंदीना, उजीना, कोटला, सेठ चूहिमल। ध्यान रखेंगे चंदीना झील, उजीना झील, कोटला झील, ये वाला क्वेश्चन तो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि सेठ चूहिमल झील कहाँ पे है? मेवात में है। कैसी झील है ये? एक आर्टिफिशियल झील है, ओके। पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं भाई? रेवाड़ी के साथ सीमा लगती है, थोड़ी सी गुरुग्राम के साथ लगती है, पलवल के साथ लगती है और फरीदाबाद के साथ लगती है। इधर आ जाओ भाई राजस्थान की साइड, राजस्थान में अलवर और भरतपुर से सीमा लगती है, ओके। हरियाणा का दक्षिणी बिंदु कौन सा है भाई? दोहा। कहाँ पे है? दोहा। जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? फिरोजपुर झिरका में। कहाँ पे है भाई? फिरोजपुर झिरका में। और जो कहाँ पे है? मेवात में है। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से क्या निकलती है भाई? इंदौरी नदी। मेवात में अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी? इंदौरी नदी, जो कि एक कैसी नदी है? मौसमी नदी है। तो मेवात के अंदर नदी कौन सी हो गई? हमारी इंदौरी नदी हो गई, ओके। मेवात विकास बोर्ड का गठन इंपोर्टेंट, ध्यान रखेंगे। मेवात विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? 1980। मेवात विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? 1980। यहाँ पे सर्वाधिक क्या है भाई? ग्रामीण जनता, गांव के लोग ज्यादा है यहाँ पे। थोड़ा सा पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है ना, मुस्लिम जाति ज्यादा है यहाँ पे। जबकि जो जो लिंग अनुपात है वो सबसे ज्यादा है यहाँ पे, 907। जनसंख्या वृद्धि दर में सेकंड नंबर पर है। जनसंख्या वृद्धि दर में सेकंड नंबर पर है 2011 के अनुसार। सबसे कम साक्षरता दर, सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे है भाई? मेवात में। जबकि लिंग अनुपात क्या है? सबसे ज्यादा है यहाँ पे। आज भी क्या नहीं है भाई? रेल परिवहन नहीं है। आज भी रेल परिवहन कौन से डिस्ट्रिक्ट में नहीं है? मेवात में। हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? नल्लड़ में। नल्लड़ कहाँ है? मेवात में। कब बनाया गया? 2012 में। झूलती मीनार शेख मूसा की मनार, झूलती मीनार शेख मूसा की मनार, ये कहाँ पे है भाई? मेवात में। गांधी जी कहाँ गए थे भाई? मेवात में गए थे। मेवात के कौन से गांव में गए थे? घासेड़ा गांव में गए थे। और क्या किया था कि जब 1947 में जब क्या हुआ था भाई? भारत पाक विभाजन हुआ था, भारत आजाद हो रहा था, तो यहाँ के लोग कहाँ जा रहे थे? पाकिस्तान जा रहे थे। तो उनको जाने से रोका था, किन्होंने रोका था? गांधी जी ने रोका था। बलबन ने क्या करवाया था? मेवात के जंगलों को कटवा दिया था। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मेवात के जंगलों को कटवाने वाला शासक कौन था? बलबन था। 1857 में जो नेतृत्व करता थे, जो जिसने क्या किया था भाई, लीडरशिप जो की थी वो किसने की थी? सदरुद्दीन ने की थी, ओके। देश का फर्स्ट आईएसओ सर्टिफाइड स्कूल इंपोर्टेंट, देश का फर्स्ट आईएसओ सर्टिफाइड स्कूल कहाँ पे है? मेवात में, मेवात के बीवा गांव में, ओके। देश का पहला यूनानी केंद्र, देश का पहला यूनानी केंद्र कहाँ पे है? मेवात में। देश का पहला कंट्री क्लब, देश का पहला कंट्री क्लब कहाँ पे है? मेवात में। कोटला किला कहाँ है? मेवात में। गांधी पार्क कहाँ है? मेवात में। छुई मुई तालाब कहाँ है? मेवात में। झीर मंदिर कहाँ है? मेवात में। ताउडू का किला कहाँ पे है? मेवात में। किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। पहली मुस्लिम संस्कृत लेक्चरर, यहां से पहली मुस्लिम
मुस्लिम थी, और मुस्लिम के साथ भाई किसकी लेक्चरर बनी वो, संस्कृत की। वो कौन है, शबनम बानो। कौन है, शबनम बानो। क्रिकेटर कौन है, यहां से फेमस पर्सनालिटी शाहबाज अहमद। कौन है भाई, शाहबाज अहमद। ट्रंप गांव, ट्रंप गांव कहाँ है, मेवात में। किस गांव को कहा जाता है, मरोड़ा गांव को। किस गांव को कहा जाता है, मरोड़ा गांव को। जो चल न्यायालय है, मोबाइल कोर्ट है, चल न्यायालय मोबाइल कोर्ट कहाँ पे है भाई, मेवात में है। ध्यान रखेंगे, चल न्यायालय मोबाइल कोर्ट कहाँ है, मेवात में है। कब बना था, 4 अगस्त 2007। कब बना था, 4 अगस्त 2007। और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था, केजी बालकृष्णन ने किया था, जो कि क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। ओके, तो ये छोटा सा आपका क्या था भाई, मेवात। अब आप लोगों के सामने क्या आएगा, सोनीपत, जो थोड़ा सा बड़ा है। ओके, तो देखिए भाई सोनीपत के पॉइंट्स यहीं से, क्लास में ही इसको 2 बार देख लेंगे तो आपके सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। मैं आपको क्वेश्चंस की फॉर्मेट में इसीलिए बता रही हूँ, और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो है। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो के ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है। ओके, सोनीपत जो है भाई, सोनीपत कब बना है, 22 दिसंबर 1972 को। सोनीपत कब बना है, 22 दिसंबर 1972 को। उस टाइम पे सीएम कौन थे भाई, बंसीलाल जी थे। कौन थे भाई, बंसीलाल जी थे। किससे अलग होके बना है, रोहतक से अलग होके बना है। महाभारत में इसका नाम क्या देखने को मिला है, सोनप्रस्थ, यानी सोने की नगरी। एजुकेशन सिटी, शिक्षा नगरी, साइकिल सिटी, एटलस सिटी, सोने की नगरी, ये सब किसके नाम है, सोनीपत के। एजुकेशन सिटी, ठीक है, साइकिल सिटी, एटलस सिटी, सब किसके नाम है, सोनीपत के। यहाँ पे कौन कौन सी तहसीलें हैं पूछा जा सकता है। सोनीपत, सोनीपत खुद एक तहसील है, गन्नौर, गोहाना, खरखोदा। गन्नौर, गोहाना, खरखोदा, सोनीपत, ये क्या है, तहसील है। उप तहसील क्या है भाई, राई और खानपुर कला। राई और खानपुर कला क्या है, सोनीपत की उप तहसील। क्षेत्रफल 2260 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं, ध्यान रखेंगे, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स 2 हैं। कहाँ पे, सोनीपत में। कौन कौन से भाई, चकोर पर्यटन स्थल, एथनिक इंडिया टूरिस्ट रिसोर्ट। चकोर पर्यटन स्थल कहाँ पे है, सोनीपत में। एथनिक इंडिया टूरिस्ट रिसोर्ट कहाँ पे है, सोनीपत में। ओके, पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं, किस किस से सीमा लगती है भाई, सोनीपत है तो पानीपत से सीमा लगेगी, जींद से, रोहतक से, झज्जर से। पानीपत, जींद, रोहतक, झज्जर, यहां से क्या लगती है, सीमा लगती है। यूपी के बागपत से सीमा लगती है, दिल्ली से सीमा लगती है। ओके, यहाँ का भौतिक प्रदेश कैसा है, कछार का मैदान। भौतिक प्रदेश कैसा है, कछार का मैदान है। मिट्टी कैसी है, जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी नदी गुजरती है, यमुना नदी गुजरती है। प्रमुख फसलें क्या क्या है भाई, गेहूं, कपास, चावल। गेहूं, कपास, चावल सोनीपत की क्या है, प्रमुख फसलें। भारत में सर्वाधिक उत्पादन मशरूम का कहां पे होता है, सोनीपत में। हरियाणा में सर्वाधिक गोभी कहां उगती है, सोनीपत में। ओके, अंतरराष्ट्रीय स्तर की बागवानी सब्जी मंडी, अंतरराष्ट्रीय स्तर की बागवानी सब्जी मंडी कहां पे है भाई, गन्नौर, सोनीपत में। कहां पे है भाई, गन्नौर, सोनीपत में। सिट्रस फलों में सबसे अग्रणी, खट्टे फलों में जो आपके होते हैं ना, नींबू, ठीक है, आपका संतरा, मौसमी, जो खट्टे फल होते हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, सोनीपत में, हरियाणा में। हरियाणा की यहाँ पे जो एकमात्र मसाला मंडी है, एकमात्र मसाला मंडी कहाँ पे है भाई, शेरशाह गांव। शेरशाह गांव कहाँ पे है, सोनीपत में। यहाँ से कौन कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 709A, नेशनल हाईवे 352A। KGP, कुंडली, गाजियाबाद, पलवल। कुंडली, मानेसर, पलवल, KMP एक्सप्रेसवे यहां से गुजरते हैं। कुंडली, मानेसर, पलवल, कुंडली, गाजियाबाद, पलवल, ये जो एक्सप्रेसवे है कहां से गुजरते हैं भाई, सोनीपत से। मेट्रो प्रस्तावित है, मेट्रो कहां पे प्रस्तावित है, सोनीपत में, जो क्या करेगी, कुंडली को किससे जोड़ेगी भाई, नरेला से। कुंडली को नरेला से जोड़ने वाली मेट्रो प्रस्तावित है कहां पे, सोनीपत में। ओके, मारुति का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जा रहा है कितने एकड़ में, 900 एकड़ में। देश का तीसरा मारुति मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, देश का तीसरा मारुति मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है भाई, सोनीपत में। ओके, सोनीपत चीनी मिल, चौधरी देवीलाल चीनी मिल, दो तो चीनी मिल है यहाँ पे, कौन कौन सी, सोनीपत चीनी मिल और चौधरी देवीलाल चीनी मिल, 1976-77 में, और गोहाना में है चौधरी देवीलाल, जो 2001 में बनी है। सर्वाधिक इंडस्ट्रियल एस्टेट, सर्वाधिक इंडस्ट्रियल एस्टेट कहाँ पे है, सोनीपत में, कितने हैं भाई, 5। कौन कौन से हैं, सोनीपत, राई, बराही, मुरथल, कुंडली, ये क्या है भाई, औद्योगिक क्षेत्र है। सोनीपत, राई, बराही, मुरथल, कुंडली। फूड पार्क या मेगा फूड पार्क, फूड पार्क या मेगा फूड पार्क कहाँ पे है, राई, सोनीपत में है। ककरोई जल विद्युत परियोजना, ककरोई जल विद्युत परियोजना, ककरोई जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, कहाँ पे है भाई, सोनीपत में। किसके ऊपर बनाई गई है, पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर बनाई गई है, और आई थिंक मैं गलत नहीं हूं तो शायद 300 मेगावाट के आसपास इसकी क्या है,
चेक कर लेना इसको, ठीक है। हर्षवर्धन काल का ताम्र मुद्रा अभिलेख से पता चलता है कि हर्षवर्धन क्या थे, सैव भगत थे। हर्षवर्धन क्या थे, सैव भगत थे। इसके जो अभिलेख है वो कहाँ पे मिले हैं, सोनीपत में मिली है। गोहाना का किला कहाँ पे है, सोनीपत में है। किसने निर्माण करवाया है, पृथ्वीराज चौहान ने करवाया है। गोहाना से और कौन हुए हैं, विशारत अली हुए हैं। विशारत अली का नाम क्यों जाना जाता है, क्योंकि विशारत अली सोनीपत से थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। फिजलपुर, फिजलपुर क्या है भाई, एक गांव है सोनीपत का, जहां से क्या मिले हैं, विष्णु जी की लेटे हुए की मूर्ति मिली है। ओके। हरियाणा का पहला बीटेक कॉलेज, हरियाणा का पहला बीटेक कॉलेज दीन बंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक कहाँ पे है भाई, 1987 में कहाँ पे है, सोनीपत में है। ओके। मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स 1973 कहाँ पे है, राई में है। 2018 में फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, 2018 में फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी किसे घोषित किया गया है, राई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को, मोतीलाल वाली को, ठीक है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला महाविद्यालय कहाँ पे है, खानपुर कला सोनीपत। 2006 में बना था, 2014 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। ऋषिहुड विश्वविद्यालय, जिंदल यूनिवर्सिटी, अशोका विश्वविद्यालय, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये सारे विश्वविद्यालय आपके कहाँ है, सोनीपत में। इसीलिए सोनीपत को क्या कहा गया है, शिक्षा नगरी। इसीलिए सोनीपत को क्या कहा गया है, एजुकेशन सिटी। ओके। जिंदल, अशोका, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, सोनीपत में है, 2019 में बनी थी। क्लियर है यहां तक? तो अब देखते हैं हमें कुछ धार्मिक स्थल। शंभूनाथ, शंभूनाथ कहाँ पे है, नहारी में। नहारी क्या है, गांव है सोनीपत का। प्राचीन काली माता का मंदिर 6000 वर्ष पुराना है, पांडवों ने यहाँ पे क्या की थी, पूजा की थी, सोनीपत में। बड़ खालसा कहाँ पे है, सोनीपत में। मामा भांजा की दरगाह कहाँ पे है, सोनीपत में है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहाँ पे है, हरियाणा में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हरियाणा में कहाँ पे है भाई, सोनीपत में। कौन है, मामा भांजा की दरगाह। यहाँ पे मुहर्रम के 11वें दिन क्या लगता है, मेला लगता है। पीर पंजाल की मजार कहाँ पे है, सोनीपत में। पीर पंजाल की मजार कहाँ पे है, सोनीपत में। ख्वाजा खिजर खां का मकबरा कहाँ है, सोनीपत में। किसने बनवाया था, इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। बाबा मीर मुकुंद सैनीपुरा गांव में, बाबा मीर मुकुंद कहाँ है, सैनीपुरा गांव में। बोध पूजा स्थल भी है यहाँ पे, क्या है भाई, एक बोध पूजा स्थल भी है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है भाई रिसर्च सेंटर। तो रिसर्च सेंटर कौन कौन सी है यहाँ पे, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान 2014 में बना। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान, जिसको निफ्टैम कहते हैं, ध्यान रखेंगे, NIFTEM, NIFTEM ये कहाँ पे है, 2006 में बना, कहाँ पे है, सोनीपत में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रो हब एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोल हब एंड टेक्नोलॉजी 2006 में ही बना, ये भी कहाँ पे है, सोनीपत में। ये तीनों आपको याद रखने हैं, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, भारतीय खाद्य प्रौद्योगिकी और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रो हब कहाँ पे है, सोनीपत में है। कपड़ेश्वर मंदिर, घपड़ेश्वर मंदिर कहाँ है, सोनीपत में। सतकुंभा का मेला कहाँ लगता है, खेड़ी गुज्जर गांव में। खेड़ी गुज्जर गांव कहाँ है, सोनीपत में। कौन सा मेला लगता है, सतकुंभा का मेला। रबड़ा गांव, रबड़ा गांव कहाँ है, सोनीपत में। कौन सा मेला लगता है, डेरा नगन बालकनाथ मेला, डेरा नगन बालकनाथ मेला। बाबा रामक शाह मेला, बाबा रामक शाह मेला कहाँ लगता है, खुबड़ू गांव सोनीपत। बाबा रामक शाह मेला कहाँ लगता है, खुबड़ू गांव सोनीपत। हरियाणा का कालिदास बहुत बार एग्जाम में आया है, हरियाणा का कालिदास। हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, दीपचंद बहमन को। किसे कहा जाता है, दीपचंद बहमन को। कहाँ से है दीपचंद बहमन, सोनीपत से है। हरियाणा का सूर्य कवि, शब्दों का जादूगर किसको कहा जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद को। किसको कहा जाता है वही, पंडित लक्ष्मीचंद को। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म 1903 से 1948 कहाँ हुआ, जाटीकला गांव। जाटीकला गांव कहाँ है, सोनीपत में है। कला एवं संस्कृति विश्वविद्यालय, पंडित लक्ष्मीचंद कला एवं संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ पे बन रहा है भाई, अटरेना गांव में 2018 में। इनके गुरु कौन थे भाई, पंडित लक्ष्मीचंद के, मानसिंह ब्राह्मण। गुरु कौन थे भाई, मानसिंह ब्राह्मण। इन्हीं के नाम पर हरियाणा सरकार कला एवं संस्कृति सम्मान देती है। हरियाणा सरकार कला एवं संस्कृति सम्मान किसके नाम पर देती है, पंडित लक्ष्मीचंद के नाम पे। हरियाणा का गांधी काफी बार एग्जाम में आया है, हरियाणा का गांधी कौन है भाई, मूलचंद जैन। ये क्लास आपकी ऐसी है कि आपको दो क्वेश्चन भी यहां से देखने को मिल सकते हैं। योगेश्वर दत्त, योगेश्वर दत्त किससे संबंधित है, कुश्ती से। कहाँ से है, सोनीपत से। 1982 में जन्म। दीपा मलिक शॉटपुट खेलती हैं, कहाँ से है, सोनीपत से। रियो ओलंपिक में क्या लाई थी, सिल्वर मेडल लाई थी। और राज्य निर्वाचन आयोग की क्या है भाई, ब्रांड एम्बेसडर। राज्य निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, दीपा मलिक।
राज्य निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपक मलिक कहाँ से हैं? सोनीपत से हैं। मास्टर सतबीर सिंह कहाँ से हैं? सोनीपत से हैं। रागिनी गायक हैं, क्या है भाई? रागिनी गायक। आधुनिक युग का लक्ष्मी चंद किसको कहा जाता है? मास्टर सतबीर सिंह को। और ये सारे जो योगेश्वर दत्त, दीपा मलिक, मास्टर सतबीर सिंह कहाँ से हैं? भैंसवाल गांव से हैं। भैंसवाल गांव कहाँ है? सोनीपत में। फौजी मेहर सिंह कहाँ से हैं? सोनीपत से। होशियार सिंह जो कि परमवीर चक्र से सम्मानित है, कहाँ से हैं? सोनीपत से। सीमा अंतिल, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में भी आया हुआ है, अभी कुछ दिन पहले ही आया था, कहाँ से हैं? सोनीपत से। रवि दहिया कहाँ से हैं? सोनीपत से। रवि दहिया कहाँ से हैं भाई? सोनीपत से। टोक्यो ओलंपिक में रजत मेडल लेके आए थे, 1997 में इनका जन्म हुआ था। दो जुड़वा बहनें जो एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ी जिन्होंने, वो कौन है? तांसी एंड मूसी, वो कहाँ से हैं? सोनीपत से। ओके। हरियाणा हॉकी संस्था, हरियाणा हॉकी संस्था कहाँ पे है? सोनीपत में। कब बनी थी? 2009 में। हरियाणा हॉकी संस्था कहाँ है? सोनीपत। 2009। महिला पुलिस बटालियन का सेंटर, महिला पुलिस बटालियन का सेंटर कहाँ है? सोनीपत। कब बना? 2018 में। एशिया का सबसे बड़ा फुटवेयर पार्क, एशिया का सबसे बड़ा फुटवेयर पार्क कहाँ है? खरखोदा। एशिया का सबसे बड़ा फुटवेयर कार पार्क कहाँ है? खरखोदा। खरखोदा कहाँ है? सोनीपत में। आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र हसनपुर, आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र हसनपुर, 22 जून 2015 को आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र पूछा जाए तो हसनपुर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। एटलस फैक्ट्री 1951 में बनी थी, और मिल्टन साइकिल फैक्ट्री भी यहीं पे है। रेल कोच फैक्ट्री भी गन्नौर सोनीपत में है। सोनीपत को क्या कहा जाता है भाई? साइकिल नगरी। किस लिए कहा जाता है? एटलस साइकिल के कारण। तो एटलस फैक्ट्री, मिल्टन साइकिल फैक्ट्री भी कहाँ है? सोनीपत में है। तो भाई ये थे आप लोगों के 3 डिस्ट्रिक्ट। आप लोगों का मैंने शॉर्ट एंड स्वीट रिवीजन करवाने की पूरी कोशिश की है। अब आपको वीडियो कैसी लगी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी के साथ शेयर करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों से मिलती हूँ दूसरे टॉपिक के साथ, जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।